हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन अशोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पर किस तरीके से शॉर्ट का यूज करना है। यानी कि दोस्तों, यहां पर देखिए मैंने कुछ सीरियल नंबर यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके से यहाँ पर देखिए, और आपको यहाँ पर प्लस का आइकन आता है इसके अंदर, और आप इस तरीके से ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फील्ड सीरीज का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर आ जाता है दोस्तों। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ABCD करना है, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से फील सीरीज का यूज करते हुए ABCD भी निकाल सकते हो। जहाँ तक बात मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों के कंप्यूटर पर ये ABCD नहीं आ रहा होगा, यानी कि आप लोगों को एक्सेल के पास ये ABCD का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ABCD निकालने के लिए, बनाने के लिए, सीरीज फिल सीरीज बनाने के लिए आपको जाना है दोस्तों होम टैब के अंदर। ध्यान से देखिए, होम टैब के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टम शॉर्ट के ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स। सिंपली आपको यहाँ पर ऑर्डर के अंदर क्लिक करना है, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जाना है कस्टम लिस्ट के अंदर। तो ध्यान से देखिए, कस्टम लिस्ट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम लिस्ट, यानी कि आप यहाँ पर न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ABCD क्रिएट करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पर ABCD सीरियल नंबर आ रहा है। इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं डिलीट बटन प्रेस करते इसको डिलीट करता हूँ, और फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पर टाइप करके दिखा देता हूँ दोस्तों ABCD। तो उसके आप यहाँ पर उसी तरीके से आप भी यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। ए टाइप करना है, इंटर प्रेस करना है, बी टाइप करना है, CD। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से कंप्लीट ABCD A to Z तक यहाँ पर कंप्लीट टाइप कर चुका हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ABCD आ चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हुए इसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ए टाइप करूँगा, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली फील सीरीज आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ABCD। आप जहाँ तक इसको आप बनाने चाहते हो तो आप आसानी से बना सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पर जनवरी फरवरी भी आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से वही सिस्टम है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टम शॉर्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कस्टम शॉर्ट के अंदर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कस्टम लिस्ट के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए संडे मंडे है, और यहाँ पर संडे मंडे है, जनवरी फरवरी है, जनवरी फरवरी। आप इस तरीके से बड़ी आसानी से जनवरी फरवरी का लिस्ट भी टाइप कर सकते हो, बना सकते हो दोस्तों। कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर होता है। आप चाहे तो यहाँ पर और एक ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप आसानी से ABCD का सीरियल नंबर क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों, आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।